Hello everybody, this is Abhishek Agnihotri, and as you know, in previous lecture we completed exercise number 2.1, and now we are proceeding to NCERT book chapter 2, exercise 2.2. Okay, so first question is, find the value of polynomial. Polynomial is this, px minus 4x square plus 3. Okay, it is an expression as polynomial, and polynomial can be denoted as px. px ही क्यों बोला गया इसे, मतलब px की जगह आप दूसरा कोई फंक्शन ले सकते हैं, बट px लिखने के पीछे ये रीजन है, p means polynomial and x means in the term of x, ऐसा polynomial जिसमें variable क्या है, x है, उसे हम लोग px से denote कर देंगे. So you have to find out the value of this polynomial at point x is equal to 0, second at x is equal to minus 1, and third x is equal to 2. That means you have to put the value of x 0 in this function. Okay, so we are going to solve for first part at x is equal to 0. We know that px, the function polynomial, is 5x minus 4x square plus 3. This is the value of px. अब हम लोगों को x is equal to 0 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जहां जहां भी x है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, 0. तो px का मतलब फंक्शन क्या बन गया, p0. ओके, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर p0. तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम लोग क्या करते हैं, 0 रख देते हैं. लेकिन कॉमन मिस्टेक क्या होती है, आप लोग वैल्यूज रखते टाइम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वैल्यूज पुट कैसे करनी है. जैसे 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3, इस तरीके से आप कुछ वैल्यूज कभी कभी लिख देते हैं. इट इज नॉट द राइट वे वेन एवर यू आर रिक्वायर्ड टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स और एनी अदर वेरिएबल. जब भी आपको वैल्यू रखनी हो तो हमेशा x की जो वैल्यू है उसे ब्रैकेट में लिया करें. जैसे 5 और x की वैल्यू जो है वो क्या है, 0, तो 0 को ब्रैकेट में लिख दिया. माइनस 4, x की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर. ओके, प्लस 3. नाउ वी विल कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू. 0 इंटू 5, क्योंकि बॉर्ड मास रूल आप लोगों को पहले से पता होगा, ब्रैकेट ऑफ फिर उसके बाद में डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्सट्रैक्शन. 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0. अब सबसे पहले अगर जब भी वैल्यू रखते हैं किसी वेरिएबल की, तो पहले एक वेरिएबल को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. 0 का स्क्वायर 0, एंड 0 फोर जा 0, 0 माइनस 0 प्लस 3. 0 की वैल्यू तो निल होती है, देन द फाइनल आंसर इज 3. सो यू कैन सी हियर दैट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0, अगर इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0 लगा दें तो वैल्यू क्या आ रही है, 3. ओके, सिमिलरली वी विल पुट इन द नेक्स्ट पार्ट पी एक्स, फंक्शन विल बी सेम एज इन प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग में ही फंक्शन सभी क्वेश्चन के पार्ट के लिए सेम दे रखा था. पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ओके, नाउ वी विल पुट हियर द वैल्यू ऑफ एक्स, इट्स नॉट इक्वल टू 0, इट्स माइनस 1 दिस टाइम. ओके, सो पुटिंग वैल्यू माइनस 1, 5, दूसरा रूल जो बताया था, एक्स की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखनी है, माइनस 1, माइनस 4, नाउ ब्रैकेट माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल. अब जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन के साथ में करते हैं. 5 और 1 की मल्टीप्लाई तो 5 बन जा 5 हो गई, एंड माइनस प्लस माइनस, सो इट इज माइनस 5. तो माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एंड 1 बन जा 1, प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4, प्लस माइनस माइनस 4 बन जा 4 प्लस 3. नाउ यू कैन कैलकुलेट हियर, माइनस 5 एंड माइनस 4, टोटल माइनस नंबर्स आर, टोटल वैल्यू विल बी माइनस 9. माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 9 एंड प्लस 3. और जब भी हम लोगों को एक वैल्यू माइनस की और एक प्लस की दी होती
तो साइन वो वाला सेलेक्ट किया जाता है जिसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो साइन किसकी वैल्यू ग्रेटर है, 9 की, तो साइन विल बी माइनस। और वैल्यू कितनी ली जाती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लिया जाता है, 9 एंड 3 का डिफरेंस कितना है 6, सो फाइनल आंसर इज माइनस 6। वी आर गोइंग टू टेक थर्ड वैल्यू, px इज इक्वल टू सेम फंक्शन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एवरी एट एवरी प्लेस वेयर वी आर हैविंग x। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट इजिली, अगर आपने पीछे के क्वेश्चन में ध्यान से सुना होगा, 5 to the 10, 2 स्क्वायर 4 एंड 4 4 16, माइनस 16 प्लस 3। प्लस प्लस के नंबर्स को हम आपस में ऐड करते हैं, प्लस प्लस नंबर्स विल बी एडेड। दिस 10 इज ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, 10 प्लस 3 इज 13 एंड 13 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 3। सो दीज आर द फाइनल वैल्यूज कैलकुलेट एट न्यूमरस वैल्यूज ऑफ x। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर सम्स ऑफ सेम टाइप्स। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू कम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।